ऐसा ये मारा गया है, इतनी धोखाबाजी हो रही है इस प्रशासन की तरफ से। हमारी जो नौकरी है तो देनते तो गए, हमारी नौकरी और भी कोसन लग रहे हैं। जो हमारे डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, कम से कम 50 टा दिए इन ठेकेदार ने, डोर टू डोर के ठेकेदार ने, और मार तक कोई बात करी ना चीत करी। जिस टाइम हम पूछे प्रशासन तय, वो कह माने पता ही नहीं कौन लगे कौन टाए हैं, प्रशासन की नॉलेज में नहीं है टाए हैं नहीं टाए हैं। वो कर्मचारी हमारे बिठा दिए घर और दूसरे कर्मचारी लगा लिए अपनी मर्जी थे, पैसे ले ले के इन्हें, जो इनके सुपरवाइजर है ठेकेदार है उन्हें पैसे ले ले के अपना कर्मचारी दोबारा 50 कर्मचारी रख लिए। और ऐसा हम सरकार तक चैलेंज करें, जो हमारा कर्मचारी एक भी घर बैठेगा नहीं, हम ईंट तो ईंट बढ़ावेंगे और सड़क पर आगे बैठेंगे। ये आज जो हमारा प्रदर्शन है नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का, पूरा जिला स्तरीय प्रदर्शन करके डीसी के बाहर आए हम, क्योंकि जो डोर टू डोर का ठेकेदार है यहाँ के प्रशासन ने उसको खुली छूट दे रखी है लूट की और छूट की। 3 जिलों का ठेका 22 साल का, और लगातार शहर में कचरा पड़ा रहे, कचरे की बजाय मलबा उठावे वजन बढ़ाने के लिए। कैथल शहर में 50 छोटे कैंटर आने थे, हर वार्ड को 2 कैंटर देने थे, सभी वार्डों में कैंटर नहीं है। ये सारी मिली भगत हर महीने लाखों रुपया कचरे की बजाय मलबे का ठेकेदार और अधिकारी उस ठेकेदार को देते हैं जो बहुत बड़ा घोटाला है, जबकि कर्मचारियों को डीसी रेट का वादा था 7-7 हज़ार रुपये 8-8 हज़ार रुपये, और कहीं कहीं महीने वेतन नहीं देता। सरकार का लेटर है हर महीने 4 डिटोल साबुन 1 लीटर सरसों का तेल देने का, वो नहीं देता। वर्दी देने का लेटर है, वो नहीं देता। और 24 जनवरी को हमने आंदोलन किया था, ठेकेदार ने अपनी एजेंसी के लेटर पैड पर लिख के दिया था सभी मांगे जायजा पूरा करूंगा, डीएमसी के सहन ठेकेदार के सहन, किसी कर्मचारी को बिना कारण के टाई नहीं जाएगा। पिछले महीने भी 12 कर्मचारी टा दिए, अब 25 कर्मचारी टा दिए लगातार। ये ठेकेदार प्रशासन और विशेष तौर पर जो चेयरमैन है, चेयरमैन प्रतिनिधि है, उनके इशारे पर ये गुंडागर्दी ये तानाशाही कर रहा।